छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में गणेश चतुर्थी के दौरान विघ्नहर्ता की पूजा की जाती है जो अनंत चतुर्दशी तक जारी रहती है। आज हम आपको बेमेतरा की ऐतिहासिक धरोहर नवागढ़ स्थित श्री सिद्ध गणेश मंदिर के बारे में बताएंगे जो अपनी तांत्रिक विधा और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के नवागढ़ में स्थित श्री सिद्ध गणेश मंदिर एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसकी स्थापना 1312 वर्ष पूर्व तांत्रिक विधा से की गई थी। इस मंदिर में विशेष शमी वृक्ष स्थापित है जिसे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि का अवतार माना जाता है। नवागढ़ का यह मंदिर तंत्र सिद्धि का केंद्र रहा है और यहाँ देश भर से भक्त कष्ट निवारण के लिए आते हैं। मंदिर परिसर में स्थित विशाल काय पत्थर और अष्टकोणीय कुआं ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं। गणेश चतुर्थी को संवत 740 वर्ष 701 में अनेक तांत्रिक मंत्र द्वारा स्थापित किया है और गणेश जी जो है एक ही पत्थर से मूर्ति है, उसी मुस्की आसन चूहा पे बैठा है और सामने जस्ट पूर्व में समीक झाड़ है। भारतवर्ष में ऐसी गणेश मंदिर जो समीक सामने में ऐसा नहीं मिलेगा, सिर्फ नवागढ़ है भारतवर्ष में। दूर दूर के लोग इतना दूर के आते हैं, बहुत दूर बॉम्बे कलकत्ता जितने बता नहीं जा सकता कितने दूर लोग आते हैं। अभी गणेश चतुर्थी के दौर लोग जो बाहर के लोग 6 बजे सुबह आ जाएंगे, उस दिन ऐसा पूरी भीड़ रहेगी और जो यहाँ आए हैं उसकी पूरी मनोकामना पूर्ण होता है ये है। और उसके बाद दोबारा फिर उनको आना ही पड़ेगा। ये समीक पत्ता ऐसा है, आप एक पत्ते को अगर चढ़ाओगे वो स्वर्ण के समान रहता है समीक पत्ता है, और ऐसे जो वृक्ष आपको कहीं नहीं मिले। यहाँ पर्व में बहुत भीड़ रहता है, जैसे गणेश चतुर्थी अभी आ रहा है उसमें बहुत दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं जिसको भगवान गणेश जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अलग अलग राज्य से आते हैं, जैसे महाराष्ट्र से बहुत लोग आते हैं, यहीं अपने ही राज्य से रायपुर से दुर्ग से रायगढ़ से बहुत लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।